क्रेटा की टेंशन बढ़ाने कूपे स्टाइलिंग और पावरफुल इंजन से लैस टाटा ब्लैकबर्ड को जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को जान लेना चाहिए कि टाटा मोटर्स ऑफिशियली तौर पर इंडियन मार्केट के लिए एक मिड साइज एसयूवी पर काम कर रही है और इसे ब्रांड के घरेलू पोर्टफोलियो में हैरियर के नीचे रखा जाएगा। कैलेंडर ईयर 2021 में नेक्सॉन कॉम्पैक्ट एसयूवी कंपनी की टॉप सेलर थी और कुल सेल्स ट्रेंडिंग में 10वें नंबर पर रही। इसके अलावा नेक्सॉन ईवी, हैरियर और सफारी भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और विशेष रूप से नेक्सॉन ईवी करंट में देश में सबसे अधिक बिकने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है। अपनी एसयूवी रेंज को महिंद्रा की तरह और अधिक मजबूत बनाने के लिए घरेलू निर्माता ऑफिशियली तौर पर ब्लैकबर्ड एक नई मिड साइज एसयूवी लाएगा और इसकी कल्पना 2018 में की गई थी। परियोजना को फिर से ग्रीन लाइट मिलने से पहले इसे स्थगित कर दिया था और यह नेक्सॉन पर बेस्ड होगी। दोस्तों अपकमिंग 5 सीटर एसयूवी का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, एमजी एस्टर, फोक्सवैगन टायगोन, स्कोडा कुसाक, निसान किक्स, रेनॉल्ट डस्टर और मारुति सुजुकी और टोयोटा की आने वाली मिड साइज एसयूवी से होगा। यह सेगमेंट उन सभी ब्रांडों के लिए भी बहुत महत्व रखता है जो टाटा से कम्पीट कर रहे हैं, जिसने 2021 में पीवी बिजनेस यूनिट की स्थापना के बाद अपनी उच्चतम ईयरली टैली पोस्ट की है, जो मौका गंवाना नहीं चाहेगा। दोस्तों यह स्पष्ट संशोधनों के साथ इंडिका विस्टा डेराइव्ड एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी और इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ नेक्सॉन की तुलना में 50 mm लंबे व्हील बेस के साथ लगभग 4.3 मीटर होगी। इसमें कूप स्टाइल होगा जिसमें बी पिलर के पीछे बहुत सारे बदलाव होंगे और स्टाइल के लिहाज से यह नेक्सॉन से पूरी तरह से अलग होगा। दोस्तों एज फॉर द परफॉर्मेंस, टाटा नेक्सॉन कूपे या ब्लैकबर्ड में 1.5 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन का उपयोग होगा, जो मौजूदा 1.2 लीटर टर्बो रेवोट्रेन यूनिट से 160 bhp की सीमा में पावर के आंकड़ों के साथ प्राप्त होगा। मौजूदा 1.5 लीटर फोर सिलेंडर टर्बो रेवोटोर्क डीजल इंजन को ऑफिशियली तौर पर अधिक पावर और टॉर्क पैदा करने के लिए अपग्रेड किया जाएगा। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन पेश किए जाने की 99% संभावना है। नेक्सॉन कूपे का एक इलेक्ट्रिक वर्जन भी आने की संभावना है, जो नेक्सॉन ईवी की तुलना में एक हाई ड्राइविंग रेंज को सक्षम करने वाले बड़े बैटरी पैक के साथ आ सकता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, टाटा ब्लैकबर्ड मिड साइज कूपे एसयूवी को नेक्स्ट ईयर में लॉन्च किया जाएगा, जो कि सही मायनों में हुंडई क्रेटा जैसी गाड़ी के सेल्स को कम कर सकती है। दोस्तों आपको इस सेगमेंट में सबसे अच्छी गाड़ी अब तक कौन सी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।